इन दिनों दिन का तापमान बढ़ गया है। घर के अंदर और बाहर उमस भरी गर्मी से सभी परेशान हैं। घरों घरों में कूलर की मांग बढ़ गई है और इसी श्रृंखला में हमारी टीम ने जायजा लिया है शहर के सुप्रसिद्ध मैक्स कूलर के कारखाने का। गर्मी से राहत पाने के लिए घरों में रखे पुरानी कूलरों की मरम्मत शुरू हो गई है। तेज गर्मी का असर बाजार पर भी दिखने लग गया है। लोग गर्मी से बचने के लिए कूलर का सहारा ले रहे हैं, जिससे मार्केट में कूलर की मांग काफी बढ़ गई है। ग्राहकों की इसी मांग को देखते हुए शहर के प्रसिद्ध मैक्स कूलर के गोडाउन में कूलर प्रोडक्शन का कार्य भी तेज गति में शुरू है। आपको बता दें कि यहां पर कूलर का हर पार्ट बना जाता है। यहीं पर इन सभी पार्ट्स को असेंबल कर कूलर को शहर के ही मार्केट में नहीं तो शहर से बाहर बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में मांग के अनुसार भेजा जाता है। मैक्स कूलर की खासियत के बारे में अधिक जानकारी साझा की है मैक्स कूलर की ओर से, आइए जानते हैं। गर्मी की आहट लगते ही शहर के चौक चौराहों पर हमें कूलर की खास की दुकानें सजी हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ दुकानों में भी कूलर की जो है खरीदारी लोगों द्वारा होती है। और पर ये कूलर जो होते हैं ये कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं और इसका काम कब से शुरू होता है, ये हम आज जानने आए हैं मैक्स कूलर के गोडाउन में। हम यहाँ जानेंगे कि कैसी कूलर बनाए जाते हैं और कूलर बनाने का काम जो है कब से शुरू होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि नागपुर जैसे चिलचिलाती गर्मी की इस शहर में मुझे लगता है मार्च महीने में ही कूलर जो है शुरू हो जाते हैं घरों में। और उसके लिए आपका काम जो है कब से शुरू होता है? हमारा काम जो होता है वो इविन जुलाई महीने से हमारा काम चालू हो जाता है, क्योंकि जुलाई महीने से इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इतना बड़ा प्रोडक्शन अगर करना है हमको तो उस वजह से प्रोडक्शन के कैपेसिटी की वजह से रॉ मटेरियल स्टॉक करने के लिए हमको जुलाई महीने से काम चालू करना पड़ता, तभी कहीं हम लोग इतना बड़ा प्रोडक्शन कर पाते मार्च तक के। अगर हम लोग अगर मार्च दिसंबर महीने में प्रोडक्शन अगर करते तो हम लोग उतनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग जून जुलाई में ही नेक्स्ट सीजन का भी काम हम लोग कंटिन्यू चालू रखते हैं। हम देखते हैं कि कूलर की कई कंपनियां हैं, मैक्स कूलर जो है मार्केट में हमें दिखाई दे रहा है, तो इसकी क्या खासियत है और क्या अलग सुविधा जो है वो ग्राहकों को दे रहा है? मैम, मैक्स कूलर में ये है कि एक तो जॉइंटलेस टैंक है हमारा, जिसमें लीकेज का प्रॉब्लम 99% तो पूरा 100% तो काम है। दूसरी बात एक है कि इसमें जो भी चीज़ें लग रही है डायवर्टर से लेके मोटर से लेके ब्लेड से लेके ये सारी क्वालिटी की लगती है। इसमें ब्लेड लगेगा तो एल्युमिनियम का लगेगा, मोटर लगेगा तो अच्छी कंपनी जो होती है उस कंपनी से क्रॉम्पटन की मोटर लगाते हैं हम लोग। और उसके साथ में हमारे कूलर में मार्केट से हमारे कूलर में दो से तीन डिग्री टेम्परेचर ये ड्रॉप होने के 100% चांसेस है। हम देख रहे हैं कि अभी गर्मियों का सीजन भी शुरू हो चुका है। इस साल जो है मैक्स कूलर की ओर से कितने कूलर की जो है मतलब शोरूम में दिए गए हैं और अभी कितनों की मांग है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी तो फिलहाल शुरुआत हो चुकी है गर्मियों की। अभी तक के शोरूम में हमने 2500 कूलर दे चुके हैं हमारे, कुछ हमारी पार्टीज भी है बहुत सारी, वहाँ पूरा महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, MP है, उसके बाद में राजस्थान है, बिहार है, ऐसे जगह पे भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर को माल देते हैं। तो अभी तक के का प्रोडक्शन हमारा नहीं तो भी हमारा 3,500 कूलर अभी तक के हमने बाहर कर लिए हैं और आने वाले दो महीने के अंदर अभी और 3,000 कूलर हम लोग बाहर करने की हमारी पूरी कोशिश है। हम देख रहे हैं कि ये जो कारखाना है यहाँ कूलर की बॉडी भी बनाई जा रही है, तो यहाँ क्या क्या काम होता है? यहाँ मैडम मैन्युफैक्चरिंग में पूरा काम होता है, एक्चुअली शीट कटिंग से लेके तो पाउडर कोटिंग से लेके तो उडुल फिलिंग से लेके तो सारी चीज़ें वायरिंग फिटिंग से लेके सारी चीज़ें इन हाउस होती है। सिर्फ रॉ मटेरियल जो है ब्लेड्स वगैरह वो आउटसोर्सेस होते हैं, क्योंकि इतने अभी हम लोग नहीं कर पा रहे वो, लेकिन नेक्स्ट इसमें हम लोग वो भी मैन्युफैक्चरिंग करने के हमारे प्लानिंग है। तो इसके लिए कितने कारीगर यहाँ काम कर रहे हैं और ये कार्य कैसे चलता है, मतलब दिन रात ये काम शुरू है या क्या? अभी तो फिलहाल में मैम हम लोग हमारा तो सवेरे 7-8 बजे से फैक्ट्री खुलती है तो 10 बजे तक के हम लोग वर्किंग करते हैं, और अभी जैसा जैसा काम ये हो रहा है तो रात में 12 बजे तक के भी हम लोग अभी वर्किंग चालू है अभी हमारी। तो कारीगरों के साथ मिलकर जो है जमकर जो है कूलर बनाने की जो है बनाए जा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहोगे ग्राहकों को मैक्स कूलर के लिए? मैक्स कूलर एक तो
इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि मैक्स कूलर में एक तो जो चीज़ लोकल कूलर में नहीं होता है वो चीज़ हमने डाले है। हमारे तरफ से कस्टमर के लिए हमने 100% दी है, और 100% में जब भी कस्टमर अगर हमारा कूलर लेता है तो सेटिस्फेक्शन के साथ ही उनको वो चीज़ मिलेगी, क्योंकि इसमें ना साउंड हमारे कूलर में है, ना ही शॉक का कोई, ज़्यादातर 99% शॉक का उसमें केयरफुली हमने वो दिए हुए क्या, इसमें शॉक ना लगे, अर्थिंग प्रॉपर तरीके की होती है, सारे चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें R&D करके ही हमने कूलर बनाए हैं। हम देख रहे हैं कि धूपकाले में कई जगहों पर पानी की बहुत किल्लत होती है, ऐसे में ये जो मैक्स का कूलर है तो ये काम आ सकता है, क्योंकि हर मतलब ग्राहकों की मांग रहती है कि पानी भी कम लगे और कूलर की ठंडक भी मिले, तो क्या बताना चाहोगे? मैम, पानी का और कूलर का जितनी जैसी जैसी गर्मी बढ़ते जाएगी, जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ते जाएगा वैसा वैसा पानी का कंजम्पशन आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही लगेगा। जहाँ 40 डिग्री के ऊपर 42 डिग्री के ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है तो वहाँ पानी का कंजम्पशन वो है, तो उसके लिए हम लोग तो थोड़ा सा उसको उस कंडीशन में हम लोग ये नहीं बोल सकते क्या यहाँ हमारे कूलर में पानी कम लगेगा करके, ऐसा है। तो हमने देखा कि ये जो मैक्स कूलर का गोडाउन है, कारखाना है, यहाँ पर किस तरह से हमने देखा कि कारीगर काम कर रहे हैं और कूलर यहाँ बनवाए जा रहे हैं, हर एक पार्ट जो है यहाँ बन रहा है, कुछ पार्ट छोड़कर, लेकिन पूरी बॉडी हो या अदर इसका पार्ट है वो यहाँ बनाया जा रहा है, यही फिट हो रहा है, साथ ही साथ इसको कलर भी यही किया जा रहा है, और यहाँ से ये महाराष्ट्र ही नहीं, महाराष्ट्र के बाहर भी इसका जो है निर्यात हो रहा है। और ये जो कूलर है इसकी खासियत भी हमने जानी कि इसके शॉक भी नहीं लगता है, मतलब कम चांसेस है इसके, और ये पूरे घर को ठंडा कर देता है। अगर आप भी इस गर्मियों में कूलर खरीदने की सोच रहे हो तो बिल्कुल आप मैक्स कूलर पर भरोसा कर सकते हो। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।